नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दूध का कप। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, वो बहुत गरीब था और बहुत मेहनत करता था अपने विद्यालय में पैसे देने के लिए। एक दिन विद्यालय से थके थके आने के बाद उसने सोचा, थोड़ा खाना खा लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। इसीलिए उसने एक बर्तन में झांका, पर उसने देखा कोई खाना नहीं था। फिर उसने सोचा, आज मेरे को पानी से ही अपना पेट भरना पड़ेगा। उसने एक और बर्तन में देखा, वहां तो पानी भी नहीं था। लड़के ने सोचा, अब मैं पड़ोसी घरों से थोड़ा पानी जमा कर लेता हूँ, मेरे घर में पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है। और एक थके मन से वो पहले घर पे दस्तक दिया। एक लड़की ने उस घर को खोला और लड़के ने पूछा, क्या मैं एक पानी का कप ले सकता हूँ? लड़की ने बोला, ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। पर जैसे ही लड़की अंदर गई, उसने सोचा, लड़का काफी थका थका लग रहा था और उसको थोड़ी एनर्जी की भी जरूरत थी। चलो मैं ग्लास पानी के ग्लास के बजाय दूध का कप दे देती हूँ। और लड़की ने पानी के ग्लास के बजाय दूध का कप दे दिया। लड़के ने कहा, नहीं, मैं दूध का कप नहीं ले सकता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। लड़की ने बोला, कोई बात नहीं, तुम पैसे मत दो, पर तुम काफी थके हुए हो, दूध पी लो। लड़के ने शुक्रिया कहा, दूध पिया और वो अपने रास्ते चल दिया। सालों बाद जब लड़की एक औरत थी, वो बहुत बीमार पड़ गई और उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि लड़की को एक ऐसी बीमारी थी जो लोगों को बहुत कम होती है, और डॉक्टर ने तुरंत इलाज करना शुरू कर दिया। पर इलाज करने में 6 महीने लग गए और लड़की 6 महीनों के बाद घर जाने के लिए तैयार थी, बट फिर भी वो चिंतित थी। और जैसे ही नर्स उसके कमरे में आई, नर्स ने ये देखा और पूछा, मैडम, आप इतनी चिंतित क्यों लगती हैं? लड़की ने बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरे को तैयार कर दिया घर जाने के लिए, क्योंकि मैं इतनी बीमार थी और बहुत परेशान हो रही। पर बाद में नर्स ने पूछा, वो तो ठीक है, पर आप बहुत चिंतित भी लग रही हैं। लड़की ने बोला, हाँ, मैं इसीलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं यहाँ बहुत महीनों तक रही हूँ, कैसे इतने सारे पैसे दूंगी? नर्स ने बोला, मैडम, आप पैसों की पर्ची तो चेक कीजिए। लड़की ने जैसे ही पैसों की पर्ची देखी, वो चौंक गई और उसने देखा कि एक बड़ा स्टैम्प था जिस पे लिखा था पेड, यानी पैसे दे दिए गए हैं। और वो डॉक्टर फिलिप्स, वो डॉक्टर जिसने उनको क्योर किया था, उसका सिग्नेचर था। लड़की ने बोला, ये कैसे? तभी उसकी नजर साइड दिए गए मैसेज पे गई। वहां लिखा था कि आपने पैसे सालों पहले दे दिए हैं एक दूध के कप के साथ। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उसको यह पता चला कि जो डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया था, वो कोई नहीं बल्कि वो छोटा सा लड़का था जिसको उसने सालों पहले एक दूध के कप के साथ मदद की। मेरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती